दादरा नगर हवेली मंत्री पार्टी कार्यालय पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दादरा नगर हवेली मंत्री अध्यक्ष हितेश मोरे के नेतृत्व में समर्थक किलोनी नाके स्थित मंत्री कार्यालय पहुंचे और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूलहार चढ़ाकर आदर भाव व्यक्त किया। बता दें कि मंत्री अध्यक्ष राज ठाकरे ने हितेश मोरे को दादरा नगर हवेली मंत्री का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जल्द ही राज ठाकरे अथवा उनके बेटे अमित ठाकरे का सिलवासा में आगमन होने वाला है, जिनके हाथों मनसे कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। देखिए इस दौरान हितेश मोरे ने क्या कहा। जय श्री राम। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जन्म तिथि पर ये खुशी के मौके के हिसाब से हमारे प्रदेश में से छत्रपति महाराज की जयंती का उत्सव है और सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज एक ही ऐसे महाराज है, एक ही ऐसे राजा है पूरे देश के, जो राजा के घर में जन्म नहीं लिया है, सिंपल सादे घर से घर में जन्म लिए है। और पूरे देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हुआ है और जहाँ भी अन्याय हुआ है वो अन्याय के विरुद्ध में हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज काम करते थे। आप लोगों ने मनसे पार्टी सिलवासा में लेकर आए, क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे उसको? मनसे पार्टी लाने का उद्देश्य ये है कि हमारे जो राज साहब ठाकरे हैं उनका काम करने का तरीका जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं और उनके विचारों पे ही यहाँ पे भी काम करना चाहते हैं, इसलिए हम मनसे ज्वाइन किए। पिछले थोड़े समय पहले हम हमारे जो ग्रुप था, हितेश भाई मोरे, हमारे जॉन भाई है, हमारे जाजी है, हम लोग चार जन मिलके ये तय किए कि भाई कोई नई पार्टी लावे यहाँ पे, जो लोगों की प्रॉब्लम, जो लोगों की समस्या है उसके लिए बात करें, लोगों के बीच में जाके बात करें, लोगों की समस्या को दूर करने के लिए वो रास्ते पे उतरे। तो उसके लिए हमने सारी पार्टियों का सर्वेक्षण किया और बाद में हमें ये ठीक लगा कि हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राज साहब ठाकरे हैं, वही पार्टी हम यहाँ लेके आए। हमारे हितेश मोरे जी जो अध्यक्ष है उनके कहने से राज साहब ने हमें पार्टी में एंट्री दी, हमें पार्टी में शामिल किया और हमें ऑफिस खोलने का और यहाँ कार्यालय शुरू करने के लिए परमिशन दिया, साथ में हमें पोस्ट भी दे दी। और यहाँ के दादरा नगर हवेली मनसे का कार्यालय खुल गया है, दादरा नगर मनसे के कार्यालय के साथ कमेटी का चयन हो चुका है। थोड़े ही समय में दादरा नगर मनसे कार्यालय का उद्घाटन करने खुद राज साहब ठाकरे या उनके बेटे अमित ठाकरे जी पधार रहे हैं और हम सारे दादरा नगर वासियों को, सारे जनता को, सभी नाति के लोगों को ये महसूस कराना चाहते हैं कि मनसे पार्टी सभी की पार्टी है, आपकी पार्टी है, आपके लिए बनी पार्टी है और आपकी तकलीफ दूर करने के लिए वो रास्ते पे उतर रही है। आज आप यहाँ पे जो मनसे की ऑफिस कार्यालय में सारे कार्यकर्ताओं के साथ में आप देख रहे हैं, कम से कम 100 से 150 कार्यकर्ता अभी के अभी बुलाने पे ये प्रोग्राम में हाजिर हुए। आज शिवाजी जयंती है, ऐसे तो 19 फरवरी को शिवाजी जयंती मनाते हैं लेकिन तिथि के हिसाब से आज शिवाजी जयंती हम मना रहे हैं। और मनसे कार्यालय में ये पहला प्रोग्राम शिवाजी जयंती के तौर पे मनाया जा रहा है। शिवाजी महाराज के लिए किसी को कुछ बोलना व्यवहारिक नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी इसके लिए माने जाते हैं कि सारा भारत देश, सारे लोग, सारे ज्ञाति के लोग उनको मानते हैं। उनको 15 साल की उम्र में ही उन्होंने वीर योद्धा बन गए थे, सारा शिक्षण प्राप्त कर लिया था, उनकी माता जीजाबाई और उनके गुरु कोंडदेव के मार्गदर्शन में शिक्षा ली थी और उन्होंने भी मराठा साम्राज्य की स्थापना करने में बड़ा योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज का। आज जन्मतिथि पे हम लोग पूरे लोग यहाँ पे उनके पूजा अर्चना कर रहे हैं और मनसे कार्यालय में मनसे कार्यकर्ताओं के साथ में आज यहाँ हमने शिवाजी महाराज की पूजा की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज साहब ठाकरे ने भी बॉम्बे में अपने निवास स्थान पे और उनके ऑफिस पे बड़ा प्रोग्राम शिवाजी जयंती पे रखा हुआ था। साथ में हमारे वहाँ के जो यहाँ के प्रभारी हैं अविनाश यादव जी, जो थाने और पालघर के अध्यक्ष हैं,
उन्होंने भी अपने कार्यालय में बड़ा प्रोग्राम शिवाजी जयंती पे किया है और सारे लोगों को हम आश्वस्त कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता को, दादर नगर हवेली वासी को हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आगे भी सारे प्रोग्राम लोगों के बीच में जाके करेंगे, लोगों को साथ लेके करेंगे, सर्वधर्म के लोगों को साथ में लेके करेंगे।